के इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य के अंदर रहस्यों का माया जाल बड़ा ही अजीब होता है। जिस भय से इंसान की मौत होती है, क्या वही भय उस इंसान को मौत के बाद भी सताता है? इस प्रश्न का जवाब हम और आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। कई ऐसे इलाज हमारे सामने उजागर हुए जिसने हमें कहानी को हर कोणों से समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया। आज की ये कहानी शायद आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आज से करीबन 24 साल पहले घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कोलकाता में रहने वाले शायन बाबू एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे और वो भी एक बहुत ही ऊंचे पद पर। शायन की पत्नी की मृत्यु करीबन 5 साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बेटे बेटी गांव में अपने ताया जी और ताई जी की देखरेख में बड़े हो रहे थे। छुट्टियों में शायन गांव जाया करता था और अपने बच्चों के साथ दिल खोलकर समय बिताता। इस बार करीबन 8 महीनों के अंतराल के बाद शायन गांव लौटने वाला था, इसलिए उसकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। गांव में घर वालों को पता था कि वो 8 बजे की ट्रेन से आने वाले थे, परंतु जब 8 बजे वो स्टेशन गए तो वहां से खाली हाथ ही लौटे। पिताजी का इंतजार करते करते बच्चों को नींद आ चुकी थी। शायन को दरअसल वही ट्रेन पकड़नी थी जो उसके गांव रात 8 बजे पहुंचती थी, परंतु किसी कारणवश उसे देर हो गई और उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी जो रात के 11 बजे उसके गांव पहुंचती थी। ताया जी के बड़े बेटे ने चाचा जी के ठहरने का इंतजाम अपने कमरे में कर रखा था और बेसब्री से चाचा जी का इंतजार कर रहा था। रात करीबन 11 बजे सर्दी की उस ठंडी कड़कड़ाती रात में वो चादर लपेटे रेलवे स्टेशन पहुंचा चाचा जी को लेने, अर्थात शायन को लेने। चाचा भतीजे का प्यार देखते ही बन रहा था। चाचा जी को प्रणाम कर उसने सारा सामान अपने हाथ में लिया और उनसे बात करते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। करीबन 15 मिनट के सफर के बाद शायन अपने घर में था, जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। शादी के बाद शायन ने ये घर अपनी पत्नी के साथ मिलकर ठीक अपने सपनों के घर की तरह सजाया था। 5 सालों से वो कमरा बंद पड़ा था जहां शायन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद शायन ने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कभी किसी ने इस बात का जिक्र ना तो शायन से करा और ना ही अपने इस फैसले को विस्तार से समझाने की जरूरत समझी शायन ने। घर के बैठक खाने में बैठकर बातें करते हुए रात
काफी हो गई थी शायन और उसके भतीजे को। शायन ने कहा कि अब मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, क्योंकि बच्चे सुबह उठते के साथ ही उसे उठा देंगे। इतना कहकर वो अपने भतीजे के कमरे में चले गए और अंदर से चिटखन लगा ली। सुबह करीबन 7 बजे से बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे, परंतु शायन शायद इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें बाहर हो रही दरवाजे पर दस्तक का कोई अंदाजा ही नहीं था। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। इस वक्त घड़ी में दिन के 11 बज चुके थे और बर्दाश्त की सीमा भी आपे से बाहर हो गई थी। घर वालों ने अंततः दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। दरवाजे को तोड़ जब उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश करा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने इससे पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। शायन का शरीर हवा में लटका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी चीज से उसके शरीर को हवा में अटकाया गया हो, परंतु ऐसा था नहीं। घर वाले इस अद्भुत घटना से उबर पाते उससे पहले ही शायन का हवा में लटका हुआ शरीर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। ये सब कुछ घर वालों की समझ से काफी परे था। उन्होंने तुरंत शायन को संभालने की कोशिश करी। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और होशो हवास गुल थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने संपूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद कुछ दवाइयां लिख दी। दवाइयों के इस्तेमाल से शाम होते होते उनके बुखार में काफी कमी आ गई थी और धीरे धीरे वो अपने होश में भी आ रहे थे। पूर्ण रूप से अपने होश में आने तक घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। उनके भतीजे ने उनसे पूछा कि चाचा जी आपको क्या हुआ था। अपने भतीजे का ये सवाल सुन शायन ने उसे बताया, कल रात जब वो सोने गए तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। इस घटना को अपना वहम मान उन्होंने फिर से सोने का प्रयत्न करा, परंतु एक बार फिर उन्हें खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। इस बार भी वो मन मारकर बिस्तर पर लेटे रहे, परंतु तीसरी बार जब उन्होंने खिड़की पर दस्तक सुनी तो उन्होंने उस इंसान को सबक सिखाने की ठान ली जो उनके साथ इतनी रात गए ये गंदा मजाक कर रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए ही खिड़की खोली और खिड़की खोलने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक विशालकाय आकृति उनके सामने खड़ी थी। शायन कल रात उसके साथ घटी इस घटना के बारे में अपने भतीजे को बता ही रहा था कि बताते बताते अचानक बच्चों
से मिलने के लिए जो अपने ताया जी और ताई जी की देखरेख में बड़े हो रहे थे। गांव में अपने मकान के अंदर शायन ने अपना कमरा आज से 5 साल पहले ही बंद कर दिया था, अपनी पत्नी की मौत के बाद। रात 11 बजे जब वो अपने घर पहुंचा तो अपने भतीजे के कमरे में सोने गया और सुबह 11 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। डॉक्टर की दवाइयों से शायन का बुखार बहुत हद तक खत्म हो चुका था, परंतु होश उसे रात के 10 बजे के बाद ही आया। उसके भतीजे ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था, तो शायन ने कल रात उसके साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताना शुरू करी और कहा कि खिड़की खोलने पर उनके सामने एक विशालकाय आकृति जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर खड़ी थी और इतना कहते कहते ही अचानक एक बार फिर वो बेहोश हो गए। कई कोशिशों के बाद जब उन्हें होश नहीं आया तो रात के करीबन 11 बजे डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने निरीक्षण करने के बाद घोषित किया कि शायन की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण करीबन आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी। अचानक से हुई शायन की इस मौत का राज आज तक राज बना हुआ है और अचानक से हुई इन घटनाओं के कारण पूरा का पूरा परिवार सत्ते में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। सुबह तक सबने इंतजार करने की सोची, क्योंकि इतनी रात गए अंतिम संस्कार की तैयारी करना बहुत मुश्किल वाला काम था। रात करीबन 2 बजे सब अपने अपने कमरे में चले गए और शायन का भतीजा पलाश बैठक में अपने चाचा की याद में आंसू बहाए जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, पर पलाश के मन में दुखों का पहाड़ उमड़ रहा था। सोने का बहुत प्रयास करने पर भी उसकी आंखें नहीं लग रही थी और तभी अचानक उसे खिड़की पर एक दस्तक सुनाई दी। पलाश ने पहले तो इसे अपना वहम माना, परंतु जब वो आवाज दोबारा आई तो वो उठकर खिड़की के सामने गया और खिड़की खोलने के लिए अपने हाथ आगे किए। रात के इस पहर में उस बैठक में पलाश के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। पलाश खिड़की को खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। पलाश ने अपनी नजरें कमरे के अंदर चारों तरफ दौड़ाई, परंतु वहां कोई भी मौजूद नहीं था। पलाश की समझने की शक्ति धीरे धीरे
क्षीण होती जा रही थी। तभी उसे याद आया कि कुछ ऐसी ही घटना उसके चाचा जी के साथ हुई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगर पलाश ने खिड़की खोली होती तो शायद उसका अंजाम भी वही होता जो उसके चाचा जी का हुआ। उसे यकीन हो चला था कि हो ना हो, आज उसके बढ़ते हुए हाथों और कदमों को पीछे की ओर खींचकर उसके मृत चाचा जी की आत्मा ने ही उसके प्राणों की रक्षा करी है। सारी रात इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई और शायद उनका शरीर एक बार फिर मिट्टी में मिल गया, परंतु आत्मा वो नहीं मरी, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, जो ना तो कभी नष्ट होती है और ना कभी मरती है। शायुन की मृत्यु को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई, परंतु उन घटनाओं से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पलाश की माने तो उसके चाचा जी घर वालों को बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अभी भी उनके आस पास हैं और कहीं गए नहीं हैं। उस रात पलाश सोते सोते अचानक ही उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर बतर हो रखा था। शायद उसने कोई सपना देखा था। उस रात सपने में कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा जी ही आए थे, जिन्होंने पलाश से कहा कि जो कमरा 5 सालों से बंद पड़ा था, अब वक्त आ गया है उसे खोलने का। उन्होंने उससे ये भी कहा कि इस चीज का ध्यान रखना कि घर का कोई भी सदस्य शाम के बाद उस कमरे के अंदर प्रवेश न करे, और तुम हर दिन उस कमरे के अंदर लगी चद्दर को ठीक करोगे और साथ ही पानी का एक ग्लास बगल की टेबल पर रखोगे। अगले ही दिन शायन के भतीजे पलाश ने अपने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो सब करा जो शायन ने पलाश के सपने में उससे कहा था। शाम ढलने से पहले उसने बिस्तर बना दिया और टेबल के ऊपर पानी का ग्लास भी रख दिया। गलती से भी कोई उस कमरे के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए पलाश ने बाहर से एक ताला भी लगा दिया। ये रात कटनी पलाश के लिए काफी मुश्किल थी, क्योंकि वो यही जानने के लिए उत्सुक था कि अगली सुबह जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलेगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा। रात का पहर पार हो अब सुबह के 6 बज चुके थे। पलाश ने कमरे का दरवाजा खोला
और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पलंग पर लगा बिस्तर कुछ यूं मुड़ा हुआ था जगह जगह से, मानो जैसे किसी ने उस पलंग पर सोकर रात गुजारी हो। और आश्चर्यजनक रूप से पानी का ग्लास आधा से ज्यादा खाली था। हर दिन सुबह कमरा खोलने पर कुछ न कुछ अद्भुत वहां जरूर देखने को मिलता। कभी मेज पर किताब खुली पड़ी रहती, मानो जैसे कल रात कोई वहां किताब पढ़ रहा था। कमरे के अंदर रखी चप्पलें कभी बाथरूम के दरवाजे के पास तो कभी पलंग के पास मिलती, अलमारी का दरवाजा खुला मिलता तो कभी खिड़कियां खुली मिलती, दरवाजा बंद होने के बाद उस कमरे में क्या कब और कैसे होता, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। परंतु इतना जरूर था कि शाम ढलने के बाद वहां कोई जरूर आता था और एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसकी कल्पना हम अपनी कल्पनाओं में भी नहीं कर सकते।